Hi guys, good morning, welcome to my channel. This is your Lip Song. Hello. Okay, just अभी मैंने अपना मुंह ब्रश किया, फ्रेश अप हुई एंड ऐसे ही मैं अपने पेट को देख रहा था. सी बहुत 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 बड़ा हो गया है. Isn't it very big? देखो ना. पर मैं बताती हूँ, मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई मैं आजकल ना यहाँ से ये पार्ट, ये ना यहाँ से ये वहाँ से बहुत लाइक दर्द होता है. लाइक कैसे बोलूँ, जैसे जैसे पीरियड क्रैम्स होते हैं ना, जब आपको पीरियड्स आते हैं तब दर्द करते हैं ना, ऐसे दर्द करते हैं. अब इतना बहुत दर्द, स्पेशली तब दर्द करते हैं जब मैं ऐसे झुकता हूँ ना, मैं जब मैं कुछ सामान लेना है मैं ऐसे झुकता हूँ, तब तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है. सो या यहाँ से दर्द होता है. और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या है. ये आप लोगों को याद होगा, जब मैं पतली थी मैंने बेली पियर्सिंग करवाया था. और बेली पियर्सिंग जब मैं थोड़ा सा मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मेरा पेट बड़ा बड़ा हो गया, वो पियर्सिंग अंदर चला गया था, मेरा पियर्सिंग अंदर चला गया था. इसकी वजह से देखो कितना गंदा दाग है. देखो अब ये दाग जा नहीं रहा है, अब देख रहे हो दाग, इट इज नॉट गोइंग. सी ये बेली पियर्सिंग की वजह से है. तो अगर लड़कियों, आप लोगों ने बेली पियर्सिंग किया है और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो जल्दी से निकाल देना. मैंने बहुत लेट निकाला था, दैट इज वाई मेरा ऐसा हो गया है, अब ये जा नहीं रहा है. बट क्या पता इन फ्यूचर चले जाए ये मार्क. बाकी तो या ओके सो लेट्स स्टार्ट द डे. आज का दिन एक पॉजिटिव माइंड से अच्छे, आज का दिन अच्छा जाएगा करके एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट द डे गाइस. मैंने ना चंपा लिया है, ये 1 kg का चंपा है. दूध चंपा एंड मार और चीनी डाल के, मतलब बटर शुगर चंपा, इसको सत्तू बोलते हैं हिंदी में, सत्तू दूध. और अभी मैंने चाय भी बनाई है. तो दिस इज माय ब्रेकफास्ट, देख सकते हो. यू नो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ, मजाक से. बट मुझे बहुत लोगों ने बोला कि चंपा खाओ चंपा खाओ, कि चंपा ना आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा. इससे मैं ट्राई कर रही हूँ. वैसे मैं चंपा खाता नहीं हूँ. आप लोगों ने कितने साल से मुझे मेरे YouTube पे देख रहे हैं, आपने एक बार भी देखा कि मैंने चंपा खाया है? सो बहुत बचपन में खाया होगा, मैं जब दादी थी बचपन पे स्कूल के टाइम पे खाया होगा. अब तो ये बहुत साल के बाद, 10-15 साल के बाद मैं चंपा खाने वाला हूँ. मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है. शिम्बुशिश गुड, बीरी 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 गुड शिम्बु पाक्स दिन दूध, इट्स गुड. गाइस मुझे एक चीज याद आया, फिर से मैं जरा बताती हूँ. यहाँ पे मैंने ना चंपा केक खाया था, अब मुझे याद आया, क्योंकि ना ये टेस्ट ना सेम टेस्ट है जो चंपा केक. यहाँ पे ना हमारा एक तिब्बतन रेस्टोरेंट है, उसमें ना चंपा केक बेचते हैं. बट मतलब सेम टेस्ट आया, फिर मुझे याद आया, ओ मैंने चंपा केक खाया था यहाँ पे. वो काइंड ऑफ एक डिजर्ट था, खाने के बाद खाने वाला केक था छोटा सा. उन्होंने ना उसमें कैशिव नट्स ऐसा और विप क्रीम, और बहुत मीठा था चंपा केक में, वो बहुत टेस्टी था. मुझे याद आया तो मैंने वो खाया था. बट दिस इज नॉट दैट स्वीट, ये काइंड ऑफ यू नो इन अ मोर हेल्दी वे यू नो फॉर मी. एवरी टाइम मैं मूड होता हूँ मेरा, देखो कपड़े गीला हो जाता है एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम. जस्ट अ मिनट.
न्यूक्स लिप बाम अभी ठंडा मौसम आ गया है ना तो मेरा लिप्स क्रैक हो रहा है। मैंने फेस पे ना कुछ भी क्रीम नहीं लगाया है, ठंडा मौसम आ गया है ना तो थोड़ा सा ना वो ऐसे कैप्शा लखा और क्या खाला आई डोंट नो कैप्शा हो रहा थोड़ा सा। काजल पता है मैं विंटर पे काजल लगाती हूँ, समर पे जब आप काजल लगाओगे ना जब काजल नीचे आते हैं ऊपर से इतना गर्मी पूरा ऐसे लीक हो जाना हो सब। विंटर में काजल लगा सकते हो आप, मैं एक चीज़ बता दूँ मेरा लैशेस देखो पूरा एक्सटेंशंस करती हूँ ना गिर गया है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं लैशेस लगाऊँ नहीं ना लगाऊँ क्योंकि देखो अब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया है फिर थर्ड आएगा उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं लगाऊँ ना लगाऊँ। अभी एक लास्ट बार मैं लैशेस लगाऊँगी शायद, उसके बाद मैं नहीं लगा पाऊँगा फिर मेरा डिलीवरी का टाइम आ जाएगा ये सब हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जितना मेरे लैशेस पर गिर गया है लैशेस का टाइम आ गया है। ओके सो दिस इज माई रूम टूर, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूममेट है, दैट्स माई रूममेट, ये हमारा किचन है जो कि आई डोंट यूज़ दिस एट ऑल। ये है गैस और यहाँ से व्यू देखो। सो दिस इज़ द किचन जो इन्होंने बहुत गंदा रखा है बिकॉज आई डोंट यूज़ दिस, मैं यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ तो या यहाँ से चल के दिस इज़ द वॉशरूम। दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द टॉयलेट एंड दिस इज माय रूम। या दिस इज माय रूम, इट्स वेरी 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 मेसी बट मैं बताता हूँ ये सिंगल बेड है। यहाँ पे फ्रिज है, दिस इज काइंड ऑफ ओके। और मेरे रूम की खिड़की से आप देख सकते हो दिस इज द या। और ये है हीटर, सो या दिस इज माई रूम, सिंगल बेडरूम, फ्रिज, देखो फालतू के सामान रखा हुआ है। आई डोंट लिव हियर, ये मेरा कबर्ड है एंड या सी मैं मंथली मेरा रेंट मतलब आई पे मैं ना मंथली रूम का रेंट देता रहता हूँ बट मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ। सो या दिस इज माय स्मॉल रूम, छोटू सा है, थोड़ा मैसी हो गया है, गंदा हो गया है क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ, क्या करें ना। सो या मैं अपने रूम से विंटर का सारा सामान लेके आया हूँ, नॉट सारा सामान, थोड़ा सा सामान लेके आया हूँ। दिस क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाला है। परोंठा चिकन, परोंठा चिकन।
है ग्रीन टी चिकन छोड़ छिगोर शातलीला मैं अपने हॉस्टल से ना विंटर का सारा सामान लेकर आया हूँ, तो एलेक्स के पास है, एलेक्स यहाँ काम करता है, तो मैं एलेक्स का वेट कर रहा हूँ। उसका काम 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर एलेक्स और मैं घर साथ जाएंगे। वेटिंग फॉर एलेक्स। नीचे ला मैं एलेक्स का वेट कर रहा हूँ। थैंक यू टैक्सी। एलेक्स का काम ना 8:30 बजे ख़त्म होता है, तो मेरे पास बहुत सारा सामान था विंटर का, तो मैंने एलेक्स की जहाँ एलेक्स काम करता है ना, मैंने वहाँ पे रख दिया। तो एलेक्स को पूरा बोले कि आएगा। अब मैं एलेक्स का वेट कर रहा हूँ। मैंने ना चिकन और परांठा खाया था, अब मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन करे, तो मैंने ना वॉफल लिया। तब तक मैं एलेक्स का वेट करूँगा। तो या मेरा सामान गाइस, आधा घंटा पहले मैंने सुसु किया था, ठीक है, अभी आधा घंटा ही हुआ है, मेरे को इतना जोर का सुसु आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसु निकल जाएगा अगर मैंने खांसी किया तो। पहले एक टाइम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये चिंता था कि जब भी बाहर जाता था उल्टी आ रहा था उल्टी, अब वो उल्टी ख़त्म हो गया। अब चिंता है कि कब सुसु आएगा, और हर आधा घंटा या फिर एक घंटे में सुसु आता है। इंसान जिनको शुरू था पॉइंट ऐसे ऐसे आ गया, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ घर, लेकिन इधर जगह नहीं है यार, जगह नहीं है, जंगल नहीं, जंगल में सूती तक चौमाला। ओके गाइस, सो मैं वीडियो एंड करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि एलेक्स एक टिबेटन रेस्टोरेंट में काम करता है, इट्स इन शातले, वो नया रेस्टोरेंट है अभी। एलेक्स का 1 महीना भी नहीं हुआ है वहाँ काम करके, एंड मैं ना नेक्स्ट टाइम आप लोगों को एलेक्स जहाँ काम करते ना वहाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, शायद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो प्लीज़ एलेक्स के रेस्टोरेंट पर ज़रूर जाना। एलेक्स के रेस्टोरेंट मतलब एलेक्स काम करता है बस वहाँ पे, तो या एंड ऑल्सो और क्या बोलना था मुझे, अरे यार टू ऑल द टिबेटन यूट्यूबर्स, क्या है यार तुम लोग ज़्यादा वीडियो बनाओ यार, मेरा टाइम पास नहीं होता है। मैं ब्रेकफास्ट खा रहा होता हूँ, जब मैं लंच कर रहा होता हूँ, या फिर जब मैं डिनर करती हूँ ना, मैं हमेशा यूट्यूब खोल के देखता हूँ। और पहले एक टाइम था मैं टिबेटन यूट्यूबर्स को इतना नहीं देखता था, पर आजकल मैं टिबेटन यूट्यूबर्स इतना देखता हूँ, मैं टिबेटन यूट्यूबर्स का ना यूट्यूब बहुत देखता रहता हूँ मैं, तो तुम लोग इतना कम वीडियो क्यों डालते हो, डालो यार, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। जितना तुम लोग ज़्यादा वीडियो बनाओगे उतना मेरा अच्छा टाइम पास होगा, तो गुड लक टू ऑल द टिबेटन यूट्यूबर्स आउट देयर, अच्छा अच्छा वीडियो बनाना, ठीक है। आजकल तो मैं इतना लोगों को देखता हूँ ना, बहुत सारे टिबेटन यूट्यूबर्स, अच्छा लगता है, इतना अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो यार ओके, आई एम गोना एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।